बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सिग्ने केमिस्ट्री चैप्टर 19 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मस्ट जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कोई भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स दे दिए जाएंगे और आपने एक टेस्ट के थ्रू जो है वो इनको डिस्टिंग्विश करना होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली और इसको किस तरह से लिखना है वो भी आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टेस्ट हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट आर टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों टेस्ट जो हैं, दीज आर गिवन बाय एल्डिहाइड्स, और कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि एल्डिहाइड्स जो हैं, हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं कि एल्डिहाइड जो है वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, दैट्स वाई वो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट्स जो हैं वो हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनके साथ भी एल्डिहाइड्स रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एसिड बना देते हैं। लेकिन कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई कीटोन्स जो हैं वो इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेट स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये है क्या, इसको क्यों सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं? एल्डिहाइड्स फॉर्म सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट, यानी आप एल्डिहाइड्स में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, ठीक है, तो वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स में ना मिरर बना देगा, ठीक है। अब टॉलेंस रिएजेंट है क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन लिखनी है। प्रोसीजर क्या होगा इस टेस्ट का परफॉर्म करने के लिए? सिंपल टेस्ट है, ऐड टॉलेंस रिएजेंट टू एन एल्डिहाइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म, अ सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो हमें पता चल जाएगा कि जो है वो एल्डिहाइड्स ने जो है रिएक्शन शो कर दिया, ठीक है, सिल्वर मिरर बन जाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का क्या मतलब है कि हमारे पास ये अमोनिया का सोल्यूशन होगा, ठीक है। यानी अमोनिया का वाटर में डालें तो NH4OH बन जाता है, ठीक हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो अब हमने इसका इससे जो है वो टॉलेंस रिएजेंट बनाना है। तो टॉलेंस रिएजेंट एक कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा और वो किस तरह का होगा? हमारे पास सिल्वर होगा और सिल्वर के साथ अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होंगे एज अ लिगेंड्स, ठीक है, और उसके साथ जो है वो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। ये हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट बन गया है। अब रिमेनिंग क्या क्या चीज़ें रह गई हैं? आपके पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ मिलके जो है वो प्रोडक्ट बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास एक सॉल्ट बन गया और साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप रह गया, तो वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा, ठीक है, इस तरीके से ये वाटर बना देगा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपने इसको बैलेंस कैसे करना है, इसके आपने कोएफिशिएंट्स कैसे याद रखने हैं, वो बहुत ईजी हैं। उसके लिए देखें, हमें कोई ना कोई ट्रिक रखनी होती है, तो यहाँ पर हमने ट्रिक रखी है 2, 4, 2। तो यहाँ पर जब हमने ये लिख लिया है, ठीक है, तो सिंपल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आपको क्लू देगा कि प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट्स कहाँ क्यों कितना लगाना है। देखें, सिल्वर का जहाँ पे है वहाँ पे भी आपने 2 लगा देना है, और जहाँ पे नाइट्रेट है वहाँ पे भी आपने 2 लगा देना है, ठीक है, और रिमेनिंग वाटर को बैलेंस करने के लिए हमें इसके साथ 4 लगाना होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली है फॉर्मेशन ऑफ टॉलेंस
रिएजेंट की। अब ये जो हम हमारे पास जो टॉलेंस रिएजेंट बना है इसको आपने एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा के उसको ऑक्सीडाइज करवाना है। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्डिहाइड का जर्नल, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया हमने, प्लस यहाँ पर हम टॉलेंस रिएजेंट लिखने लगे हैं सिल्वर के साथ, जो है वो टू मॉलिक्यूल्स थे अमोनिया के, ठीक है, और उसके साथ आउटसाइड ब्रैकेट में हमारे पास था हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और ये हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ही बने थे ना। अब हमने इसका सिंपल प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और सिल्वर रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सिल्वर में यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो ठीक है ये रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और एल्डिहाइड जो है वो आफ्टर ऑक्सीडेशन एसिड बनाएंगे, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, वैसे तो देखें ओ एच से एसिड बनता है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ये जो हमारे पास एसिड है ये अमोनिकल फॉर्म में बनेगा, ठीक है, तो इसको हम अमोनिकल फॉर्म में लिखते हैं एन एच फोर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आप देख लें ये टू और ये टू, ठीक है, इसका मतलब है टू टू ज़ा फोर, फोर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ हो गया और बाकी थ्री अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर रह गए हैं, अलॉन्ग विद दैट सिल्वर मिरर बन रहा है, ठीक है, सिल्वर मिरर और साथ वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। अब इस होल टेस्ट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो उससे टॉलेंस रिएजेंट बनाया है, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट बनाया है और उस टॉलेंस रिएजेंट को हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके जो है वो सिल्वर मिरर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, सिल्वर मिरर बन गया है जो ये शो कर रहा है कि इसने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो कर दिया। ओके, तो आपको जो भी एल्डिहाइड दिया जाएगा जैसे एसिटल्डिहाइड को एसीटोन से डिस्टिंग्विश करना है तो आपने यहाँ पर जर्नल एल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड ही लिखना है जो आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एसिड में भी यहाँ पर सी एच थ्री ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो वो दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ सिंपल जो है वो एक सिट्रेट और टॉट्रेट कम्प्लेक्स का डिफरेंस है। ये देख लें, सबसे पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड्स फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है क्या, ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि सिट्रेट कॉम्प्लेक्स सिट्रिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड जो है वो उसका आप कोई सॉल्ट लेंगे, ठीक है, सोडियम सिट्रेट, उसके बाद उसको आप कॉपर के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा के जो है वो क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, और मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी बेस की प्रेजेंस में ये सारा काम होगा, ठीक है, लेकिन आपकी यहाँ पर बुक में इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नहीं शो किया हुआ, नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सिंपल करके क्वेश्चन लिखी हैं। अगर आप देखें तो ये देखें कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सिट्रिक एसिड का, ठीक है, और उसके बाद ये क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स का कितना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको हमने नहीं लिखना, ठीक है, हमने सिंपल फॉर्म में इक्वेशन शो करनी है। सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं, टू एन एल्डिहाइड सॉल्यूशन एड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड बॉयल, सिंपल बॉयल करना है उसको एल्डिहाइड में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल के, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, किस कलर के, रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स था ये क्यूप्रिक सिट्रेट था यानी सी यू प्लस टू वाला यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा और ये कॉपर ऑक्साइड सी यू प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, ठीक है, यहाँ पर कॉपर की रिडक्शन हो रही है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स जो आपकी कोर्स बुक है, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो इसकी इक्वेशन इस तरीके से आएगी कि अगर हम ये एल्डिहाइड लिखते हैं, ठीक है, साथ हम कॉपर को क्यूप्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन है अल्कलाइन सॉल्यूशन है
और साथ हमने जो इसका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिट्रेट कॉम्प्लेक्स लिया हुआ, तो वो हमने सोडियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने उसका स्ट्रक्चर नहीं शो किया, सोडियम सिट्रेट ले लिया, ठीक है। और इससे हम जो है वो प्रोडक्ट लिखेंगे, एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एसिड का यहाँ पर आयन की फॉर्म में शो किया हुआ है। और क्यूप्रिक आयन जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसका पूरा CU2O लिखा हुआ है, ठीक है, और अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है, और वाटर बन जाएगा। तो ये उस तरीके से थोड़ी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, और कॉपर भी देखें बैलेंस नहीं है, तो ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी इक्वेशन लिखी हुई है। इसी इक्वेशन को हम जो है वो प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को प्रॉपर और बैलेंस वे में लिखना चाहें तो ये किस तरीके से होगा हमारे पास, ये एल्डिहाइड, ठीक है, और कॉपर को जो है वो हम प्रॉपरली कॉपर हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रोडक्ट में ही चाहिए, ठीक है, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रॉपर जो पूरा सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसको हम शो नहीं कर रहे, और प्रोडक्ट में भी आप जो है वो प्रॉपरली एसिडिक फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, और सोडियम की प्रेजेंस में यहाँ पर जो है ये सोडियम आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एच नहीं अटैच होगा, ठीक है। बाकी क्यूप्रस ऑक्साइड CU2O उसी तरीके से लिखा जाएगा अलॉन्ग विद 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इन दो इक्वेशंस को आप इस तरह से देख सकते हैं, तो इट्स बेटर टू राइट सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये प्रॉपर है, बैलेंस्ड है, ठीक है, इसको लिखें और साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स भी लिख दें। एंड लास्ट में फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी बिल्कुल बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की तरह ही है। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन, ठीक है, और प्रोसीजर भी सेम है, टू एन एल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड फेलिंग सॉल्यूशन एंड बॉइल अ रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म। अब हम इस इक्वेशन देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, जो टॉप टू जो है हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए लिखी थी, सेम वही इक्वेशंस हमने फेलिंग सॉल्यूशन के लिए भी लिखनी है, सेम है। कोई स्टूडेंट अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट लिखता है या फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट लिखता है, सेम होगा। सिर्फ क्या कहाँ से पता चल रहा होगा कि स्टूडेंट्स ने कौन सा टेस्ट लिखा है, अगर आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने टार्ट्रेट लिखा है तो इसका मतलब है कि आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी इक्वेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पर आपने प्रेसिपिटेट्स के साथ ज़रूर लिखना है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ आपने सिट्रेट कॉम्प्लेक्स या टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी ज़रूर लिखना है। और इस चीज़ को याद रखने के लिए कि सिट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में है और हमारे पास टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में हमारे पास सिट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, बी के बाद सी आता है, ठीक है, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, और फेलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वो टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। अगर आप बेनेडिक्ट्स का याद रख लेते हैं तो फिर दूसरा आपको वैसे ही याद हो जाएगा। नाउ इन द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर दैट इज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये पूरे होल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के चैप्टर्स के पास्ट जो है बोर्ड पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, देख लें। 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन, जस्टिफाई योर चॉइस विद द साइंटिफिक रीजन, ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेनिंग ऑब्टेन थ्रू एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कौन सबसे पहले इन सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, जो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, तो उनमें हम कहेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, ठीक है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है,
इसमें अल्फा कार्बन भी मिसिंग है और अल्फा हाइड्रोजन भी, और इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। फिर हमने प्रॉपरली, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन के टॉपिक में पढ़ा है कि उसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है, उसके बाद उसका डायरेक्ट रिएक्शन और फिर हमने उसका मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं लिखना, ठीक है। ऑल्सो टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन थ्रू द एल्डोल कंडेंसेशन, यानी यहाँ पर आपने रीज़न एक्सप्लेन करनी है और साथ डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है एसीटल्डिहाइड के साथ, मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट आप देख लें, हाउ वुड एसीटोन रिएक्ट विद द फॉलोइंग, गिव रिएक्शंस विद मैकेनिज्म। अब ये एसीटोन के रिएक्शंस हैं, ये दोनों ही आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, देखें 3-3 मार्क्स के हैं, मैकेनिज्म भी लिखना है। तो आपने इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, डायरेक्ट रिएक्शन लिखने के बाद आपने जो है वो मैकेनिज्म्स के स्टेप्स लिखने हैं। देन 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने क्यों शो किया स्टूडेंट्स, ये तो अमीन्स के लिहाज से है, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन जो है वो एल्डिहाइड के लिहाज से आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ में से पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स में से आपसे पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड इन कीटोन्स की जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अदर फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा क्यों हैं या कम क्यों हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टीज़ में से बनता है, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव कैनिज़ारोज रिएक्शन, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म। तो ये प्रॉपर आपने कैनिज़ारोज रिएक्शन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, यानी अल्फा हाइड्रोजन वाली सारी बात लिखनी है, उसके बाद आप फॉर्मल्डिहाइड ले लें या बेंजल्डिहाइड, उसके साथ आपने डायरेक्ट रिएक्शन और मैकेनिज्म लिखना है। नेक्स्ट 2018 फाइनल एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन आया है, हाउ डज एसीटोन रिएक्ट विद, देखें एसीटोन के रिएक्शन आए हुए हैं HCN के साथ और हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसमें 2,4,6 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन इंक्लूडेड है, ठीक है। और यहाँ पर ये नोट डाउन कर लें, यहाँ पर स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि क्या करना है। अगर तो डाइल्यूट NaOH आया है तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन शो करनी है, और अगर कंसनट्रेटेड लिख दिया है कि एसीटोन को कंसनट्रेटेड जो है वो NaOH के साथ, या एसीटोन को या कोई भी आपको एल्डिहाइड दे दिया जाए, मतलब वहाँ पर आपको कंसनट्रेटेड NaOH दिया है, तो इसका मतलब है वो कैनिज़ारोज की बात हो रही है, तो उसमें आपके पास बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड ही होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH का मतलब है कि यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN टू एसीटल्डिहाइड। हमने बहुत डिटेल में जो है वो इसकी एडिशन देखी थी, आप इसका डायरेक्ट रिएक्शन भी लिखेंगे और उसके बाद इसका मैकेनिज्म भी लिखेंगे। देन कन्वर्जन्स में देख लें, आपके पास ब्यूटानोन से एसिटिक एसिड की जो कन्वर्जन है ये आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। ब्यूटानोन आपके पास एक जो है वो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कीटोन का हमने पढ़ा था कि जिसके पास लेस हाइड्रोजन्स होंगे वो वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और एल्डिहाइड कीटोन्स के टॉपिक में हमने डिटेल में पढ़ा है। 2018 फाइनल एग्जाम्स इवनिंग पेपर में देखें हमारे पास कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी आया है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। ऑब्जेक्टिव देख लें, एन एसीटॉल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसीटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, ये तो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन से आता है, वैसे ये आपकी रिड्यूस सिलेबस में एबसेंट है, ठीक है, अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ एसीटल्डिहाइड विद सोडियम बाइसल्फाइट। तो सोडियम बाइसल्फाइट वाला स्पेशली आपकी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी जगह जो है वो HCN आ सकता है, कुछ और आ सकता है, ठीक है। हाउ कैन एल्डिहाइड बी रीजनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपके पास HCN की जो है वो रिएक्शन आ सकता है और उसकी फर्दर एप्लीकेशन आ सकती हैं। Why aldehydes are more reactive than ketones with respect to their nucleophilic addition reactions? रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यहाँ पर पूछी गई है। व्हाट इज आयडोफॉर्म टेस्ट, ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स का ये आया हुआ है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट आयडोफॉर्म टेस्ट। राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेस्ट बाय गिविंग केमिकल इक्वेशंस, यानी आप प्रॉपर पूरा का पूरा आयडोफॉर्म टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें जैसे मैंने आपको आयडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट में लिखवाया हुआ है, 4 इक्वेशंस बैलेंस्ड वो आपने लिखनी है, तो आपके मार्क्स आएंगे। 2018 सप्ली एग्जाम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन,
अब इसमें से कौन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है? सबसे पहले हमने बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन किए थे और उसके बाद हमने एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन किया था। बेस कैटलाइज्ड में तो ये सारे आ गए थे, हेलो फॉर्म भी आ गया था, एडिशन ऑफ HCN और कंडेंसेशन। तो ये जो पॉलीमराइजेशन जो है एल्डिहाइड्स की, ये हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? ठीक है, एसीटोन भी देता है, एसिटल्डिहाइड भी देता है, एथेनॉल भी देता है, थ्री पेंटानोन, थ्री पेंटानोन नहीं देगा, क्योंकि थ्री पेंटानोन क्या है, हमारे पास ऐसा कीटोन है जिसके दोनों साइड पे जो है वो इथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। कीटोन्स में किसी भी एक साइड पे एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोन्स ही जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन ये मिथाइल कीटोन नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन, राइट डाउन इट्स टाइप्स अलॉन्ग विद मैकेनिज्म। देखें एल्डोल और कैनिजरोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिफाइन भी करेंगे, ठीक है, और उसके साथ उसकी जो है वो मैकेनिज्म्स के सारे स्टेप्स भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, राइट डाउन इट्स टाइप्स, टाइप्स का क्या मतलब होगा? एल्डोल कंडेंसेशन फर्दर दो एल्डिहाइड्स के दरमियान में भी हो सकती है, दो कीटोन्स के दरमियान में जो कि सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, या एल्डिहाइड कीटोन्स के दरमियान में भी हो सकती है। तो ये इस वजह से आपके पास थ्री डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, तो वो भी आपने उनकी भी इक्वेशंस लिखनी है। नेक्स्ट है 2017 फाइनल एग्जाम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखें, अब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड के पास ही है। राइट द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजीन विद द फॉलोइंग, इन दोनों के साथ आपने इसकी इक्वेशंस लिखनी है, डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखनी है, 1.5 मार्क्स की है। ठीक है, व्हाट इज कैनिजरोज रिएक्शन, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन यूजिंग सूटेबल एग्जांपल। तो ये आपने किसी भी सूरत में एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजरोज को मिस नहीं करना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें से मस्ट एग्जाम्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखें, हमने जो अभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे, फैलिंग, बेनेडिक्ट्स और टॉलेंस, तो ये तो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ग्रिग्नॉर्ड ऐसा है जो कि दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके पास नॉमन क्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में से टॉपिक आया है। ठीक है, तो इसके आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस विद मैकेनिज्म। अगेन एल्डोल कंडेंसेशन डिटेल में आया है, उसकी डेफिनेशन भी लिखे हैं प्रॉपर, और एसिटल्डिहाइड को लेके उसका डायरेक्ट रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म, और देन फेरलक्राफ्ट एसाइलेशन आपने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन, डायरेक्ट रिएक्शन और मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन प्रोपानोल एंड टू प्रोपानोल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, और ये जो है वो ल्यूकास टेस्ट से जो है वो डिस्टिंग्विश होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2017 फाइनल एग्जाम ओल्ड सिलेबस में हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद एसीटोन, यानी ग्रिग्नॉर्ड एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या बनेगा? अब ये कुछ जो है वो रॉन्ग भी हमें ऑप्शंस दिए हुए, देखें जैसे थ्री मिथाइल थ्री ब्यूटानोल दिया हुआ है। ठीक है, थ्री मिथाइल, इसका मतलब है वन टू थ्री, थ्री पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और थ्री पे ही ब्यूटानोल है, तो बेसिकली ये थ्री तो बनता ही नहीं है। अगर इसकी नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी तो नंबरिंग तो हमारे पास किस तरफ से होगी? इस तरफ से होगी, वन टू थ्री फोर, तो ये टू मिथाइल टू ब्यूटानोल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन टू मिथाइल टू ब्यूटानोल, तो स्टूडेंट्स हमने ये डायरेक्ट इसका रिएक्शन करके देख लिया रफ स्केच में, तो अगर हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें तो वन टू थ्री फोर, ठीक है, टू मिथाइल टू ब्यूटानोल, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है। देन है आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करता है, किस किस को डिस्टिंग्विश करता है? एथेनॉल को फ्रॉम मेथेनॉल डिस्टिंग्विश करता है, बाकी जो है वो ऑप्शन देखें, एथेनॉल और एसिटल्डिहाइड दोनों ही देते हैं ये टेस्ट, ये दोनों ही नहीं देते, और तीसरे में भी ये दोनों ही टेस्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल टेस्ट परफॉर्म करेगा और मेथेनॉल नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
लास्ट में हमारे पास हाउ डज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग, तो यहाँ पर ये आपने इन तीनों के साथ इसकी इक्वेशंस लिखनी है, वाटर के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटाल्डिहाइड के साथ भी, ठीक है। 2017 फाइनल एग्जाम ओल्ड सिलेबस में हमारे पास है डिफाइन कंडेंसेशन रिएक्शन, एक नंबर का है, ठीक है। डिफाइन करके आपने एक डायरेक्ट इक्वेशन भी मस्ट लिखनी है, सिर्फ डिफाइन करके छोड़ नहीं देना। डिफ्रेंशिएट एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजोरोस रिएक्शन गिविंग एन एग्जाम्पल ईच, दोनों की डेफिनेशन के साथ एक एक इक्वेशन भी लिखनी है, ओके। 2017 सप्ली एग्जाम्स में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो ये अगेन रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड शो एल्डोल कंडेंसेशन एंड विच वुड शो कैनिजोरोस रिएक्शन, कौन एल्डोल करेगा और कौन कैनिजोरोस करेगा, दोनों की स्ट्रक्चर भी जो है वो आपने एक्सपेक्टेड लिखनी है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड तो हमें पता है कैनिजोरोस ही करेगा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। टू मिथाइल पेंटेनल, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हमारे पास टू मिथाइल पेंटेनल है, देखें सेकंड कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा और इसकी जो भी एक्सपेक्टेड रिएक्शन बन रहा है डायरेक्ट इक्वेशन वो भी आपने लिखनी है। 2017 सप्ली एग्जाम्स में हमारे पास है गिव केमिकल रिएक्शंस शोइंग प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से जस्ट रिड्यूस सिलेबस में आपके पास साइनोहाइड्रिन मींस के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का एचसीएन के साथ रिएक्शन, ये भी आपका इंक्लूडेड है, और 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन वाला इंक्लूडेड है, सिंपल फिनाइल हाइड्रोजीन वाला इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स जब फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फिनाइल हाइड्रोजोन्स बनाएंगे, ठीक है। बाकी आपका रिड्यूस सिलेबस में जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। देन आपके पास किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ एसीटोन बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ सूटेबल एल्कीन्स, ये तो हमारे पास 16 चैप्टर में से क्वेश्चन है, लास्ट देख लें, ये आपके एल्डिहाइड कीटोन्स में से है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस फॉर्म्स 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड अंडरगो एल्डोल रिएक्शन, मीन्स के इससे C3H6O से आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, अब वही बात है कि इससे दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, तो अब वो कौन सा होगा, डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, यानी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये कीटोन ही बनेगा, ठीक है, और एल्डोल रिएक्शन भी नहीं दे रहा ये, ठीक है। और ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, और ये दो तरह के एसिड्स देता है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो अगर हम इसको सिंपल एसीटोन बना लें, ठीक है, तो यही वो स्ट्रक्चर है कि जो कि आपके पास 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगा और उसका डेरिवेटिव भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन ये टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर इसे ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास 1 कार्बन एसिड और 2 कार्बन एसिड्स बनेंगे, ठीक है, यानी फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बनेगा, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर डिसाइड किया ये एसीटोन है, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग पेपर में आपके पास है कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड्स, तो सेकेंडरी एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। द रिएजेंट विच रिएक्ट्स विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अगेन देखें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। देन गिव इक्वेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एसिड एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाना है HCN के साथ, ठीक है, और पहले डायरेक्ट इक्वेशन का एक नंबर और मैकेनिज्म के दो नंबर है, ठीक है। लास्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड बाय गिविंग वैलिड टेस्ट, तो ये जो हमने टेस्ट पढ़े हैं टॉलेंस बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स, उनमें से कोई भी एक टेस्ट आप प्रॉपर लिख सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड के साथ लिखेंगे और एसीटोन के साथ लिखेंगे कि इट विल नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने प्रॉपरली इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये होता है कि इसमें से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रही है, आपने बिल्कुल भी इस चैप्टर को स्किप नहीं करना, इसमें से मस्ट जो है वो 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में मस्ट आएंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू.